अलग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आई गाइज आई एम शक्तिरो गाइज एम शर्द मल्होत्रा एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड

Uh, you know, uh, everyone visiting the red light area and yeah. they have their own experiences. Yeah. So very, very exciting, intriguing and uh, मतलब हम दोनों तो definitely हमने तो हम तो उसका हिस्सा थे। But जो लोग uh, शक्ति के fans हैं, मेरे fans हैं, I'm sure everyone would want to see and experience कि कैसे कहानी आगे बढ़ती और क्या होता है आगे जाके तो दोस्तों जैसे कि आपको पता चल ही गया है दैट रात्रि के यात्री सीजन टू आ गया है डी फर्स्ट सीजन रिड रियली वेल एंड डिड यू गाइस गेट डी ऑप्टिमिटी टू वॉच इट शक्ति अनफॉर्च्युनेटली नॉट येट बट आई हूं हॉर्ड लॉट ऑफ़ गुड थिंग्स अबाउट इट एंड आई नो दैट इट्स इट्स अ और हमारी यही उम्मीद है कि जिस तरीके से यू नो पहले सीजन को प्यार मिला इस सीजन को भी उतना ही प्यार मिले क्योंकि ये सीजन की कास्ट तो और भी ज्यादा बेटर है कौन च्छे? है अच्छी कास्ट कौन कौन सा हम दो तो है शुरुआत तो हमसे होती है बट हाँ मतलब बहुत अच्छे वेरी गुड कैरेक्टर्स एक्टर्स फेसेस जो अपने अपने किरदार में आई एम श्योर उन्हें बहुत ही अच्छा काम किया है तो आपने एपिसोड देखा क्या नॉट येट नॉट येट एक्चुअली मैंने भी देखा नहीं लेकिन मैंने एक्चुअली सुना कि एपिसोड सबके जो एपिसोड्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं अच्छे दिख रहे हैं तो मुझे फीडबैक सुबह से यही मिल रहा है एक्चुअली वॉन्ट टू वॉच इट तो आई एम जस्ट यू नो काइंड ऑफ रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी प्लीज आई एम श्योर आपके भी फैंस होंगे दैट प्लीज वॉच इट एंड गिव अस अ 50 20 हम मौका नहीं छोड़ेंगे देखिए हमें प्रमोट करना है अच्छे से करना है हम चाहते हैं कि इसे लोग देखें

Uh, the people who are into this field hmm. but nothing related to gangubai so okay. that's a completely different subject and different life story mm -hmm. yahan pe different life story hai aur ye kafi interesting ha jo panch anthology panch jo stories hai wo mm -hmm. har ek ki story ekdam uh, alag hai aur uh, bahut hi interesting hai कुछ अपने किरदार के बारे में बताएं शरद जी जी तो मेरे किरदार का नाम है मनोज okay. और आ, उससे उसकी कुंडली में आप सबको बताएं कुंडलियाँ जो होती हैं हम सबकी कुंडलियों उसकी कुंडली में जो है कन्या दोष और उस दोष को हटाने के लिए उसकी जो फ्योन्से है हालांकि पंडित जी जो हैं जो दोनों का दोनों कुंडियाँ देख रहे हैं और तो तो ऐसा एक सजेशन आता है क्यों ना इस दोष को हटाने के लिए आप इसकी दूसरी शादी करवा दें तो आ, खुद की फ्योन्से जो हैं मनोज uh, को कहाँ लेकर जाती हैं mm -hmm. uh, उसके बाद क्या होता है दैट तो आई विल नॉट रिवील बट बहुत इंटरेस्टिंग है आई थिंक इट्स इट्स अ वन नाइट की कहानी yeah. एक रात में कैसे मनोज की पूरी लाइफ चेंज होती है पूरी थिंकिंग चेंज होती है mm -hmm. पूरा एक उसका जो पर्सपेक्टिव चेंज होता है रेड लाइट एरिया को लेकर वहाँ पे mm -hmm. जो लोग काम कर रहे हैं उनको लेकर सेक्स वर्कर्स को लेकर सो आई थिंक इट्स इट्स अ ब्यूटिफुल इंसाइट मगर देखा जाए तो uh, जिस तरह आई थिंक ए

तो कहीं ना कहीं इसके दिल में उनके लिए एक एंगस्ट एक एनिमोसिटी एक एंगर भरा पड़ा हुआ है जब भी इनको देखता है इसको खुंदक मचती है और जब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये ऐसे एक यू नो रेड लाइट एरिया है और उसको ख़त्म करना है तो ही जस्ट गोज देर देर ही मीट्स गर्ल कॉल्ड मालिका हुज अदा हुज प्लेइंग अदा तो वो कैसे थॉट प्रोसेस विशेष का चेंज करती है प्रोस्टिट्यूशन के बारे में और वो क्या क्या चीज़ें फेस कर रही है अपनी लाइफ में और किस तरीके से विशेष का जो माइंड है कम्प्लीटली कन्वर्ट करती है जो बचपन से उसके माइंड में बैक ऑफ द माइंड में एक नफरत थी वो एक यू you नो know, एक रिस्पेक्ट के तौर पे उन्हें देखना शुरू करता था तो वो क्या है वो किस तरीके से वो बात करती है वो सारी चीज़ें एक डिबेट है वो बहुत बड़ा एंड थैंकफुली यू नो अनिल सर अनिल वी कुमार ही हैज़ डायरेक्टेड ऑल द स्टोरीज ही हैज़ यू नो कंसेपचुलाइज द होल कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट को डील करना आसान नहीं होता है नहीं। और उन्होंने बखूबी निभाया है इसे यू नो डील करने में और अगर इसमें बहुत थिन लाइन है तो नहीं तो एकदम ऐसे वलगर भी लग सकता है वो तो वो वलगारिटी को हटा के और एक एक यू नो प्योर फॉर्म में एक जो अच्छी स्क्रिप्ट होती है उसे hmm. टेबल पे रखना भी बहुत होता है और उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया। किया। आई थिंक शूट बहुत जरूरी वो है yes. और आप जैसे भी अभी शक्ति ने भी ऑब्वियसली yeah. uh, yes. so yeah. uh, so uh, हमें बताना uh, कि हमारे किरदार से उन्हें क्या चाहिए और फिर yeah. हमारा परफॉर्म करना सब कुछ एक साथ आना yeah.

Hi guys, I'm Shakti Roda. Well, hi guys, I'm Sheld Malhotra. And you are watching Bollywood, Bollywood Hangama.